हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं जो कोरोना का सेकेंड वेव है वो कितने तेजी से हमारे देश में फैल रहा है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों में ये सिम्टम्स देखने को मिल रहा है कि उनके स्मेल चला जा रहा है, उनके टेस्ट चले जा रहे हैं, यानी लॉस ऑफ टेस्ट हो रहा है और लॉस ऑफ स्मेल हो रहा है। तो मैं सोची क्यों ना आज इसी टॉपिक पे वीडियो करूं कि आप सभी को कुछ हेल्प मिले। तो मैं डॉक्टर रूबी आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि अगर आपके स्मेल चले गए हैं, टेस्ट चली गई है, तो आप अपने घर पे क्या क्या करेंगे और साथ में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल जो चली जा रही है, ये बहुत सारे लोगों में पहले ही चली जाती है, यानी फीवर आने के पहले टेस्ट चली जा रही है, स्मेल चली जा रही है। अब बहुत सारे लोगों में फीवर के बाद ऐसा सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, और कुछ लोगों में पार्शियल स्मेल और टेस्ट जा रही है, और कुछ लोगों में कम्प्लीटली चली जा रही है, या कुछ लोग के जो स्मेल है ऑल्टर हो जा रहे हैं, यानी उनको ऐसा गंध आ रहा है कि कोई कागज चल रही है, कोई चीज की बदबू आ रही है। तो इस तरह के सारे सिम्टम्स देखने को मिले। तो दोस्तों, इसकी जो रिकवरी होने में करीब 3 से 4 वीक लग जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि क्या क्या आपको अपने घर में करनी है और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी स्मेल और टेस्ट चली गई है तो आप अपने घर पे क्या करें, ऐसी चीज को खाना शुरू करें जो आप बरसों से नहीं खाए हैं, यानी उसको उसकी टेस्ट भी आपको याद नहीं है, तो वैसे चीज को अपने खाना में शामिल करें। उससे आपकी फास्ट रिकवरी होगी। साथ में जिसके स्मेल चले गए हैं वो क्या करें, हम सबके किचन में बहुत सारे स्पाइस रहते हैं, तो आपको क्या करनी है, ट्रे में सबको अरेंज करें और एवरी 1 आवर पे, प्रत्येक 1 घंटे पे आप स्पाइस का स्मेल लेना शुरू करें, और उस स्पाइस के साथ यानी मसाला के साथ कुछ कुछ ऐसे चीज का भी डब्बा रखें जो बहुत लंबे समय से यानी बरसों से आपने उसकी ये स्मेल नहीं ली है, तो उस चीज को भी आप उसमें शामिल करें, और एवरी 1 आवर्स में 1-1 घंटे पे आप गंध लेना शुरू करें। इससे क्या होगी, आपकी जो रिकवरी होगी स्मेल की या टेस्ट की वो फास्ट होगी। अब हम लोग जानते हैं अगर आपके टेस्ट और स्मेल चले गए हैं तो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आगे हम लोग जानते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है, कितने पोटेंसी में लेनी है और कितने डोज में लेनी है। तो दोस्तों, आप सभी को पल्सेटिला 30 मेडिसिन लेनी है। पल्सेटिला 30 को आपको दिन में 3 बार लेनी है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद रात। आप ऐसे इसी मेडिसिन को कंटिन्यू कीजिए, 1 सप्ताह से 10 दिन तक इसको कंटिन्यू कीजिए, आपको बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेंगे, आपकी जल्दी से जल्दी रिकवरी होगी और आप टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि आपके टेस्ट स्मेल जो गए हैं वो परमानेंटली नहीं गए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए कि उनको भी इसका लाभ मिले। थैंक यू।